हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपल चौधरी व्लॉग्स। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग धूप में बैठ के और ऐसी जगह पे कर रही हूँ। आज चारों तरफ कपड़े कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि कल अब मेरे कपड़े धुले थे और मैं अपने कपड़े अलग ही धुलवाती हूँ क्योंकि मुझे जो इन्फेक्शन होता है इस वजह से मैं अपने कपड़े अलग ही धोती हूँ। और आज मैं भिगो रही हूँ ओजस के कपड़े। तो धूप निकल गई थी बाहर, वर्षा दी ने अपनी रजाई सुखाई हुई थी तो धूप अभी इधर आई है, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर इसको लेके धूप में बैठ जाऊँ। तो मैं इतने इसके कपड़े भिगो देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको नहला दूंगी। सोच रही हूँ आज थोड़ा जल्दी काम खत्म कर लें। हेलो कर दे। हेलो, क्या कर रहा है ओजू? सारे कपड़े छांट दिए, ये कपड़े ये धोएंगे, ये कपड़े ये धोएंगे, अलग अलग कर दिए इसने सारे कपड़े अपने। हाँ, तो यहाँ पे वो जिसको तो नहला दिया है, वो जिसको नहला के यहाँ पे धूप में बैठा दिया है। थोड़ी देर धूप में बैठेगा तो गर्माई आ जाएगी। मैं भी जा रही हूँ अभी नहाने के लिए और टाइम हो रहा है 12:30। आज मैंने सोचा है कि जल्दी काम निपटाना है तो जल्दी ही निपटाना पड़ेगा। और ओजस का खाना भी रेडी हो गया है तो मैं नहा ली हूँ, नहा के रेडी हो गई हूँ। अभी ओजस को खाना खिला देती हूँ और 1 बज चुका है, काम पूरा ख़त्म हो चुका है आज मेरा। और व्लॉग की एडिटिंग भी मैंने कर ली, रात में एडिटिंग नहीं कर पाई थी इसलिए सुबह आज व्लॉग नहीं आया, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो बस जब मैं ओजस को लेके लेटूंगी तब मैं व्लॉग डाल दूंगी। तो मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है टाइम से और बस अभी खाना वाना खाते हैं। तो गाइज, अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मुझे जाना है आज रोड पे मार्केट जाना है। हाँ, तो मार्केट जाना है मुझे इसलिए क्योंकि फ़ोन का मुझे टेम्पर चढ़वाना है। ओजस ने भी कल परसों मेरा फ़ोन का टेम्पर सारा तोड़ दिया था और फ़ोन पे टेम्पर चढ़वाना ज़रूरी है, नहीं तो इसकी स्क्रीन भी चली जाएगी। तो फ़ोन पे टेम्पर चढ़वाना है और 1-2 चीज़ें और लेके आनी है मार्केट से। तो बस अभी नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके पूजा करके फिर बस मार्केट के लिए निकलती हूँ। रोज शाम को दाल खुआ देती है। नहीं, पता दाल में विटामिन्स और वो देखो, ये तड़का लगा रही है दाल का, रोज हमें दाल खुआ देती है शाम को। और क्या आपके लिए लेके आऊं? हाँ बताओ आप भी। तो दोनों टाइम तो अलग अलग सब्जी मिल रही है, फिर भी बात बढ़ा रही। एक यो मम्मी का लाडला, एक 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 मिनट बस बेटी, एक मिनट हो जा। कहाँ ले जाएगा मम्मी को? मम्मी मैं करूंगा अब। ये हट पीछे को, फिर एक मिनट इधर आओ। हम रोड पे गए थे पर भूल गए रोड की क्लिप बनानी। अभी जो सामान लेकर आए भाभी वो दिखा देगी आप लोगों को, है ना भाभी? आपका पार्सल भी तो आया था आज एक। हाँ। ये लुढ़कता पुढ़कता फिरता था। मम्मा मम्मा, ओ भाई भाई, क्या हुआ? इसे ले लो आप एक बार, क्या हो गया? इसे प्यार सा आ जाएगा बस। क्या हो गया? ओजू भाई, क्या होगी बता दे। तो चल बता दे, डरे हम तेरे से। मैं दाल में तड़का लगा रही थी और ओजस मेरी गोदी आगे चढ़ गया और इसने काम नहीं करने दिया तो मुझे वहां से हटना पड़ा क्योंकि मैं गैस के पास इसे लेके खड़ी थी। तो अभी वर्षा दी को खड़े करके आई हूँ उसके पास। बेटी बार बार पीछे जाके मुझे पीछे को धकेलता है और बार बार गोदी चढ़ रहा था तो इस वजह से मुझे इसे लेके इधर आना पड़ा। क्यों? तुझे तो मैं बताऊंगी, बदला लूंगी तेरे से तो मैं। किस चीज का भाई? उसे बदला लूंगी मैं। और एक तरफ मैंने साबुत गरम मसाले भून के रख दिए, इनको भी मैं पीसूंगी क्योंकि गरम मसाला खत्म हो रहा है और ये हल्के भून लिए, ड्राई रोस्ट किए हैं। यहाँ पे ओजस की दाल निकाल दी। ओजू क्या कर रहे हो बेटी? ओ ये निकाल दी इसने सारी किट, किट निकाल दी है, फेशियल किट।
ये देखो सारा जो कल हमने फेशियल किया था, ये वर्षदी ना ऐसे काम करती है कि अगर आज कुछ किसी सामान का इस्तेमाल हुआ है ना तो वो 2-3 दिन तक उठने का नहीं है। सारे सामान गिरा दिया आपने। ओ क्या, इतने में वहां पर खड़ी थी ना रसोई में, इतने से काम नहीं करने दिया, बार बार गोदी आगे चढ़ा था और जैसी हट गई तो गोदी से नीचे उतर और अपने लग गया खेल में। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरे पास बैठ जाओ, मैं देख लूँ मैं क्या करूँ। हाँ, उसे मैं काम करती हुई पसंद। मम्मी नहीं चाहता, मेरे साथ लगी रहा करो। तो रसोई में बिल्कुल भी काम नहीं करने देता ये। जब भी शाम को खाना बनाती हूँ तो तुरंत ही आगे पीछे को ऐसे धक्का मारेगा और लेके जाएगा, कमरे में लेके जाए या कहीं भी लेके जाए, और यही करके गोदी चढ़ लेगा, काम ही नहीं करने देता। और यहाँ पे मैं आपको सामान दिखा दूँ आज जो जो हम सामान लेके आए हैं। ये कल मैंने इनको फेशियल किया था वर्षती को, तो वो मैं आपको बता रही थी। ये ओरिफ्लेम की जो किट थी वो बहुत नेचुरल बेसिस पे है कि उसका लगाने का कोई इतना वो नहीं है जैसे फ्रूट फेशियल होता है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैंने उनका कर दिया है, क्लीनिंग हो गई है उनके फेस की, तो 1 हफ्ते बाद या 1.5-2 हफ्ते बाद उनके एक बार ये फेशियल कर दूँगी। तो ये सामान मैं लेके आई थी आज। तो ये है यहाँ पे लोटस का रेडियंट ब्राइडल ग्लो, रोज़ गोल्ड का फेशियल है ये। तो अब जो होगा इनके फेशियल ये वाला होगा। और बाकी ये एक पिल ऑफ मास्क लेके आई हूँ, कॉफ़ी कोलेजन एसेंस पिल ऑफ मास्क है ये कॉफ़ी का है पिल ऑफ मास्क। ये सोच रही हूँ एक बार मैं भी अप्लाई करके देखूँगी, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन मेरा भी मन कराया वर्षदी को देख के। ये लेके आई हूँ चारकोल का पिल ऑफ मास्क है, ये वर्षदी के भी काम आ जाएगा और ये गौरव के भी काम आ जाएगा, ये मैं इसीलिए लेके आई हूँ। तो ये चीज़ें हम लेके आए हैं। और बाकी यहाँ पे है ये विटामिन ई के कैप्सूल जो फेशियल वगैरह में यूज़ हो जाएंगे। अब क्या देखना है मेरे मुंह पे? अब बोलो क्या कह रही थी? तुम क्या कह रही थी? अब बोलो क्या कह रही थी आप? मैं कुछ ऐसा कहूँ? अभी क्या कहा आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं कही। मम्मी कितनी बोले? हाँ। खाओ आप कसम, आपने नहीं बोला। हाँ। आप कसम खाओ, आपने नहीं बोला। अपने कसम मैंने नहीं कहा। नहीं कहा। सब मेरे पीछे पड़े रहे हैं। देख ओजस, सब मेरे पीछे पड़े रहे हैं। देख ये फिर चढ़ेगा। एक चीज करनी सीख ली एक बार, फिर तो ये करने ही लगेगा, फिर बस उसी चीज को ट्राई करता रहेगा। ये देखो फिर उतरेगा फिर चढ़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये अमेज़ोन से पार्सल मंगाया है, तो बस अभी मैं इसको खोल के देखती हूँ। इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी वैसे मुझे, और सभी को होती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों के कपड़ों पे ऐसी बूर और रुए रुए जैसे हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो जिसके कपड़े सारे ऐसे ही हो चुके हैं बेकार। और ये लिंट रिमूवल मशीन है, इसको मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है और इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ये इसके साथ एक वारंटी कार्ड है जिसमें 12 मंथ की वारंटी है। और यहाँ पे इसके साथ ये 2 ब्रश दिए गए हैं, ये इसकी क्लीनिंग के लिए। और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये देखो ये इस हिस्से में मैंने इसको क्लीन कर दिया और इस तरफ अभी भी रुआ है, और इसमें जो ये सारे रुए इकट्ठे हो जाते हैं वो ये वाला हिस्सा है, इसको हम निकाल के क्लीन कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे मशीन, सारे मतलब इसने रुए सारे ख़त्म कर दिए। और ओजस के तो बहुत मतलब सर्दियों के जितने भी कपड़े हैं सब पे रुए हुए पड़े हैं, तो मैं सारे कपड़े इसके नए करने वाली हूँ। मैं बिठा लाइए भाई। तो यहाँ पे वर्षदी भी ले आई है अपना एक डेमो के लिए, कह रही है भाभी मेरे भी नहीं कर दो। तो ये फ्री का कोई माल नहीं छोड़ती। ये देखो ये देखो ये इस हिस्से में मशीन चलाई है और ये इस हिस्से में अभी भी रुए दिख रहे होंगे आपको। ये देखो ये इस तरफ भी नहीं चलाई, ये सिर्फ बीच बीच में चलाई है, तो ये यहाँ पे रह गए हैं।
और बिल्कुल साफ हो गया, मतलब ऐसा हो गया जैसे इस पर कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने देख ही ली, बहुत अच्छी लगी मुझे ये मशीन, मतलब बिल्कुल इसने रुए ख़त्म कर दिए। अभी ये क्लीन नहीं किया, अभी इसको क्लीन करूँगी थोड़ी देर में। और मशीन काफ़ी इजीली यूज़ हो जाती है, मतलब बहुत अच्छे से बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये एक बटन इसमें दिया गया है, इसको ऊपर और नीचे करना है। ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, नीचे करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। और ये जो देख रहे हैं आप स्टील का, इसका एक कवर भी है, इसको जब यूज़ नहीं करना इस पर कवर लगा के रख देना है और ये खुल भी जाएगा। इसको गोल घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। नीचे का हम इसको ऐसे नीचे खींचेंगे, ये देखो ये खुल गया। ये नोवा की मशीन है, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, उससे आप परचेज़ कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? आज आज ने शर्मा के दिखाया इसने। अच्छा अच्छा आज एकदम से धप्पन हो गई। चलो अंदर चलो, आओ चल। मामा को चढ़ के तो दिखा दे, सोफे पे ही पार तू उतर के खड़ी है। अपना खड़ गया ना, अपने आप चढ़ जाओ, उतर जा नीचे तो चढ़ गया पर। अभी ना किस गई हो? मैं किस गई हूँ? अब ना उतर। रूपला सुची क्या है कमरे सुची? मगर आ दे फिर रूपला डाल के बंद चढ़ा के बंद उतरा। तो गाइज टाइम हो गया है 10:30 रात के, और अभी थोड़ी देर पहले विशाल आया था गुरु को छोड़ने के लिए, और किसी काम से आया था वो। तो ओजस उसे देख के पूरा खुश हो गया अपने मामा को देख के। उसकी गोदी से उतरने को तैयार नहीं था, बस उसके साथ चलना था ऐसे। फिर वो धीरे से छुप छुप के इसके गया जब वो बाहर निकला घर से। तो बस इस व्लॉग का मैं ये एंड कर देती हूँ, मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।